सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। कल और परसों तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। तो विदाउट एनी डिले आज की वीडियो का कंटेंट बता देती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी फ्लिपकार्ट एंड मीशो का जो कुर्ती एंड पैंट का हॉल है वो आफ्टर वॉश हॉल, मतलब धोने के बाद उनका क्या हाल हुआ, कैसी उनकी दुर्दशा हुई कि उनका और निखार आया वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारी रिव्यू कंप्लीट रिव्यू शेयर करूंगी मैं आज आपके साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। तो बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक नहीं कर रखा है, जिस वजह से बहुत सारी वीडियोज़ उनसे मिस हो जाती होंगी, वो देख नहीं पाते होंगे, इसलिए व्यूज़ भी कम आते हैं मेरी लॉन्ग वीडियोज़ पर। मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो नोटिफिकेशन बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए आपको अच्छी लगे तो आप देख पाए। तो ये है हमारा आज का रिव्यू करने वाला कुर्ती एंड पैंट का हॉल। मैंने सिर्फ वॉश किया है, अभी तक प्रेस भी नहीं किया है ताकि मैं एग्जैक्ट आपको बता पाऊँ कि क्या होता है धुलने के बाद हकीकत में क्या होता है। प्रेस करने के बाद तो फिर भी थोड़ा बहुत पता चल ही जाता है, मतलब अच्छा लगता है प्रेस करने के बाद, फिर भी उतना नहीं पता चल पाता है। सो ये देखिए, इसको कम से कम 3 से 4 बार मैं वॉश कर चुकी हूँ। तो वॉश होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है इसका। तो इसमें फ्रंट आगे इस तरीके का गोल गला है और इसमें बटन वगैरह दिए हैं। बटन की बात करें तो बटन जो टक किए हुए हैं बहुत काफ़ी मजबूती से किए हुए हैं, उनमें कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिला है, बिल्कुल फिट है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, बहुत सारे क्लॉथ्स में ऐसे आते हैं कि वो निकल जाते हैं, चुपके हुए नहीं है, धागे से प्रॉपर टक किए हुए हैं। कपड़े की बात करें तो कपड़ा बिल्कुल कागज़ की जैसा हो गया, बिल्कुल कागज़ की जैसे बोले तो ख़राब नहीं, कागज़ की जैसे बोले तो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट रुई की तरह एकदम सॉफ्ट हो गया है कपड़ा। ये देखिए आप, इनफैक्ट जब वो आया था ना, ये वाली कुर्ती एंड पैंट आया था, तब इसका बहुत काफ़ी खड़ा खड़ा सा कपड़ा था, मतलब आई थिंक हो सकता है कि उन्होंने कलफ वगैरह लगा के ताकि वो अच्छा सा लुक आए, इस वजह से दे रखा होगा। बट अब ये बिल्कुल धुलने के बाद आफ्टर 3 to 4 times वॉश के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, मतलब प्रॉपर समर वे में कह सकते हैं बिल्कुल बेस्ट रहेगा, समर में बहुत 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 कंफर्टेबल है। और इसके कलर की बात करें, रंग उड़ा है या नहीं उड़ा है, तो ये देखिए आप, इतू सा भी फ़र्क नहीं पड़ा है रंग पे, इतू सा भी सेम प्रॉपर वैसा का वैसा ही है ये कलर। बट अगर आप इसको गर्म पानी में बिल्कुल नहीं धोना है, आप इसको, मैंने इसको धोया था टाइट का जो मशीन वॉश आता है, इनफैक्ट मैंने वॉशिंग मशीन में ही इसको वॉश किया है, ना ही इसका जरा सा भी रंग निकला है ना ही कुछ हुआ है। तो अब इसके पैंट की बात कर लेते हैं। तो पैंट वाइट कलर का है और इसमें इसका कपड़ा भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, बिल्कुल ये देखिए आप सॉफ्ट हो गया है। और इसमें जो नेट है, बस मशीन वॉश कर सकते हैं बट ये ध्यान रखना आपकी ये नेट फट ना जाए। और ये जिसमें नीचे लैस दी हुई है बिल्कुल ठीक है, जैसे धुलने के बाद मैंने मशीन वॉश ही किया था इसको भी, बट काफ़ी प्रॉपर वे में, क्योंकि ज़्यादा गंदा नहीं होता तो थोड़ा कम टाइम के लिए, तो इसलिए ये देखिए ज़्यादा गंदा हो तो आई सजेस्ट कि आप अपने हाथ से ही धोएं, क्योंकि मशीन में ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ेंगे तो ये इसकी लैस नेट फटने का डर रहता है ना। लेस पे भी कुछ भी असर नहीं पड़ा है, 3 से 4 बार धो चुकी हूँ, कोई असर नहीं पड़ा है ना ही लेस पे एंड ना ही कुर्ती पे। और कपड़े की बात करें तो कपड़ा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। कलर की बात करें तो कलर देखिए बिल्कुल, ना ही मैंने इसमें नील लगाया है, ना ही मैंने कुछ एक्स्ट्रा केयर नहीं की है, सिर्फ मैंने मशीन वॉश किया था वो भी टाइड मशीन वॉश के साथ। टाइड मशीन वॉश जो आता है, सर्फ जो बोल सकते हैं उसको, वॉशिंग पाउडर निरमा तो नहीं, टाइड बोल सकते हैं, तो उसके साथ वॉश किया है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। 3 से 4 धोने के बाद भी ये पता नहीं चल रहा है कि बिल्कुल भी इसका रंग वगैरह कुछ भी नहीं इफेक्ट हुआ है, कुछ भी इसमें डिफेक्ट नहीं आया है। तो आई सजेस्ट 10 मैं इसे 10 में से 10 marks दूंगी। और अगर आप कलफ प्रेमी हैं, मतलब आपको खड़े खड़े कपड़े पसंद हैं, तो ये आपको फर्स्ट टाइम तो ये बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेट मिलेगा, बट धोने के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, तो उन लोगों के लिए 10 out of 9। सो गाइस, आप आई होप, गर्मी हो रही है ना, मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा है, बिकॉज फ़ैन ऑन करते हैं ना तो फिर जैसे हवा की वजह से प्रॉपर वॉइस नहीं आ पाती है, तो इसलिए देखिए पसीना पसीना हो गया है। तो गाइज, आई विश आप, सो गाइज, एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताती हूँ दोनों के बारे में, कि ये फ्लिपकार्ट एंड मीशो दोनों पे ही मिल जाएंगे। 10-20 रुपये का फ़र्क है, फ्लिपकार्ट पे 330 समथिंग है एंड मीशो पे 300 समथिंग है, मतलब 300 के अराउंड ही आपको मिल जाएंगे। मैंने दोनों से ही मंगाए हैं, फ्लिपकार्ट से मंगाया था तो किसी को पसंद आ गया मैंने उसको दे दिया, फिर नेक्स्ट टाइम मैंने मीशो से मंगाया, मटेरियल सेम है, बिकॉज सेलर भी सेम ही रहते हैं, तो इसलिए मटेरियल में कोई डिफरेंस नहीं था, बिल्कुल भी सेम ही है, डिटो कपड़ा भी सेम है, ऐसा नहीं डिफरेंस है। सो फ्लिपकार्ट या मीशो आप कहीं से ही परचेज कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लेते हो, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके, पता नहीं क्यों भाई करो ना, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करोगे तभी तो आपको नई वीडियो मिलेगी ना। तो आई
हमारे भी साथ की वीडियो अच्छी लगी होगी।